तो भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले जापानी लोगों के बारे में, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में नंबर वन इन लोगों की हेल्थ मानी जाती है और दिन भर काम करने के बावजूद भी इनकी बॉडी में चुस्ती फुर्ती जो है वो हमेशा बनी रहती है और साथ ही साथ वर्ल्ड में सबसे लंबा जीने का रिकॉर्ड भी इन लोगों के नाम पे ही रहता है। तो ऐसे क्या कुछ कारण है या फिर क्या कुछ इनका लाइफ स्टाइल है जो कि ये लोग फॉलो करते हैं और इतना लंबा जीते हैं और पूरा दिन फिट एंड फाइन बने रहते हैं, तो वही सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं शुरू। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है रिकी और आप देख रहे हो माइंड गेम चैनल। तो शुरू करें। चलो भाई दोस्तों, हेल्थ के मामले में जापान को सबसे नंबर वन माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां की सरकार और वहां के लोग काफी सारे ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहते हैं। तो वहां की सरकार का सबसे पहला डिसीजन जो रहता है वो गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। अब वहां पे होता क्या है कि अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को ऐसा खाना मिलता है जो कि यानी कोई नॉर्मल इंसान भी खाना पसंद नहीं करता, मगर अगर जापान की बात की जाए तो वहां पे गर्भवती महिलाओं को खाना पीना कुछ इस तरीके का दिया जाता है जो कि किसी भी लग्जरी रेस्टोरेंट से कम नहीं होता। वहां की सरकार का मानना यह रहता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ को अच्छे खाने की जरूरत होती है और अगर उसे अच्छा खाना मिलेगा तो उसका होने वाला बच्चा और वो दोनों ही हेल्दी और फिट एंड फाइन रहेंगे और देश के भविष्य के लिए एक स्वस्थ बच्चे का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मगर अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो यहाँ के नेता नगरी खाने पीने में ही लगे रहते हैं और स्विस अकाउंट भरने में ही बिजी रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यार सोच ही सकते हो कि किस तरीके का हाल होगा हिंदुस्तानी नागरिकों का या फिर हिंदुस्तानी महिलाओं का। अब जापान के अंदर एक चीज और बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पे बेबी मॉप का यूज किया जाता है। अब बेबी मॉप असल में होता क्या है कि हिंदुस्तान में होता क्या है, बच्चा जब अपने हाथों पैरों पर चलना शुरू कर देता है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को बहुत ही संभाल करके रखते हैं, मगर जापान में करते हैं क्या है, वहां के लोग उसे बेबी मॉप पहना करके कमरे में ही छोड़ देते हैं खुला, ताकि वो कमरे में पूरे कमरे में टहलता रहे। तो बेबी मॉप पहनाने की वजह से होता क्या है कि वो कुछ इस तरीके का कपड़ा होता है कि उससे ना बच्चा जहां पे भी घूमेगा टहलेगा वहां की सफाई भी बड़े आराम से हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चे की जो एक्टिविटी रहती है वो भी, उसकी बॉडी की जो एनर्जी रहती है वो भी धीरे धीरे खर्च होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा फिर से हेल्दी रहेगा और साथ ही साथ कमरे की सफाई भी बड़ी आसानी के साथ में वहां पे हो जाती है। अब वहां पे सरकार जो रहती है वो लोगों की नींद का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। मान लो आप लोग वहां पे मेट्रो वगैरह में सफर कर रहे हो या फिर ऑफिस वगैरह में, तो काफी सारी आप लोगों को वहां पे ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिन चीजों पे आप लोग अपने सर को टिका करके, या फिर काफी सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां पे आप लोग अपने हेड वगैरह को स्टेबल करके आराम से आप लोग रिलैक्स फील कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कुछ इस तरीके का इंतजाम किया गया है जिसकी वजह से जो भी यानी मजदूर वगैरह रहते हैं या फिर ऑफिस में वर्क करने वाले रहते हैं उन लोगों को सोने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर उन लोगों को नींद आ रही है तो नींद ले सकते हैं, क्योंकि वहां की सरकार का मानना है कि अच्छी नींद अच्छे नागरिक की पहचान होती है। अगर अच्छी नींद लेगा नागरिक तो अच्छे से काम कर पाएगा। तो वहां पे हर जगह पे आप लोगों को ये सुविधाएं मिल जाएंगी कि आप लोग बड़ी आसानी के साथ में 15-20 मिनट की अपनी नींद कहीं पे भी पूरी कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है छातों का यूज। हिंदुस्तान में जो छातों का यूज होता है वो सिर्फ बरसात में होता है और वो सिर्फ अपने सर को ढकने के लिए होता है, बट जापान की अगर बात की जाए तो वहां पे छाते कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे जो कि उनकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं, बस नीचे से पैर खुले रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग बरसात के टाइम पे भीगते नहीं है और हिंदुस्तान में आज भी वही पुराना ही छतरी वाला रिकॉर्ड चल रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है इंसान का सिर तो बच जाता है मगर और पूरी बॉडी भीग जाती है, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शन होना या फिर बीमार पड़ना नॉर्मल सी बात हो जाती है। अब बारी आती है दोस्तों खान पान की। जापानी लोग खाने पीने में सी फूड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब कि जो समुद्र के अंदर उनको खाने पीने की चीजें मिलते हैं इन चीजों का यूज वो ज्यादा से ज्यादा करते हैं और ऐसा करने से उनकी हेल्थ फिट और फाइन बनी रहती है। साथ साथ उनकी खाने की एक आदत होती है, वो छोटी छोटी कटोरियों में हमेशा खाना खाते हैं, क्योंकि इंसान अगर छोटी छोटी कटोरियों में खाना पीना खाता रहता है तो उसका पेट बहुत ही आसानी के साथ में बहुत ही जल्दी भर जाता है और वो भी कम खाने से भर जाता है। जबकि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे होता क्या है कि थाली भर करके खाना आना चाहिए और ठूस ठूस करके खा लेते हैं लोग, उसके बाद में पेट में सिर्फ जगह बचती है गैस बनने की, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। तो इस वजह से भी वहां के लोग काफी ज्यादा फिट एंड फाइन रहते हैं। और बात की जाए अगर वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स की, तो दोस्तों सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि अगर आप लोग कोको कोला पीते हो तो हिंदुस्तान के अंदर वो आप लोगों को ब्लैक कलर की मिलेगी, या फिर आप कह लो कि आप लोग ब्लैक पानी पीते हो
और जापान के अंदर अगर बात की जाए कोक की, तो वहां पे आप लोगों को बिल्कुल मिनरल वाटर से मिलती जुलती हुई कोक मिल जाती है। और वहां के लोग ये बताते हैं कि इसका ब्लैक वाली कोक से बहुत ही ज्यादा बेटर टेस्ट रहता है, उससे कहीं पे भी 1% आप लोगों को टेस्ट में गिरावट नहीं मिलेगी, उससे बेटर ही आप लोगों को मिल सकता है। अब बात ये आती है दोस्तों यहाँ पे उनके पानी पीने का शेड्यूल जो रहता है, पानी पीने का उनका शेड्यूल इस तरीके से रहता है, आप लोगों को जगह जगह पे वहां पे मशीनें मिल जाएंगी जहां पे आप लोगों को गुनगुना पानी मिल जाएगा, और वहां के लोगों को आदत भी रहती है गुनगुना पानी पीने की, और वो लोग गुनगुना पानी पी करके पूरा दिन अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हैं। ठंडा पानी वो लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात आती है वहां के लोगों के लिए अकेलेपन के लिए कुछ स्पेशल तकिए वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि अगर एक नॉर्मल इंसान यूज करे या फिर अकेला इंसान सोने के लिए यूज करता है तो उसे कभी भी अकेलेपन का एहसास होता ही नहीं, जबकि हिंदुस्तान में इस तरह की चीजों को बहुत ही ज्यादा वाहियात या फिर घटिया समझा जाता है, जबकि जापान के लोग इस चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अपनी हेल्थ को बिल्कुल फिट एंड फाइन बनाए रखते हैं। अब साथ ही साथ वहां के लोग गाड़ियों में जाने से बेटर ये समझते हैं कि चलना फिरना उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा यूज ये करते हैं कि पैदल चल करके जाएं या फिर जो भी गवर्नमेंट की जो भी बसेस वगैरह होती हैं या फिर जो भी उनको रोडवेज के संसाधन वगैरह मुहैया कराए गए हैं, तो उन चीजों में घूमना वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वो लोग पर्सनली गाड़ी वगैरह का यूज करेंगे तो सरकार का जो पेट्रोल वगैरह उस चीजों की तो खपत होगी होगी, और साथ ही साथ फिर उन लोगों का पैसा भी खर्च होगा, इससे बेटर वो लोग जो सरकारी संसाधन है उनका यूज करते हैं घूमने टहलने के लिए और पैदल चलने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल भी फिट एंड फाइन रहते हैं। और खाना पीना तो आप लोगों को पता चल ही गया है किस तरीके का रहता है, और ऐसी कंडीशन में जो लोग भी इन सारी चीजों को फॉलो करता है तो नॉर्मल सी बात है वो पूरा दिन फिट एंड फाइन रहता है। और साथ ही साथ इनकी जो सबसे बड़ी चीज रहती है वो ये रहता है ये लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, मगर दोस्तों ये लोग अपने हिंदुस्तान की तरह चाय नहीं पीते हैं, वहां पे ये लोग ग्रीन टी का यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं, दिन भर में कम से कम ये 3-4 बार ग्रीन टी का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आने की कोई संभावना ही नहीं होती और पूरी बॉडी पूरा दिन चुस्त दुरुस्त बनी रहती है। और फिर उसके बाद में शाम को ये लोग सी फूड खाते हैं और फिर आराम से रिलैक्स करके ये लोग नींद लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही लंबे जीते हैं और साथ ही साथ इनकी बॉडी में फैट नाम की कोई चीज गेन होती ही नहीं है। तो दोस्तों यही सारे कारण थे कि जापानी लोग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेल्थ में नंबर 1 क्यों रहते हैं और किस लिए वो सबसे लंबा जीते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो यही सारे फैक्ट हैं जिनकी वजह से वो लोग इतना लंबा जीते रहते हैं और उनकी हेल्थ सबसे नंबर 1 मानी जाती है। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो यार ठोको लाइक, क्योंकि लाइक तो बनता ही है, और मेरे चैनल पे भूले भटके आए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं खत्म। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।